बोट नेक स्लीवलेस टॉप। उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन पर, इससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलेगी। लगने वाले नाप, कमर की लंबाई, सीट लंबाई, पूरी लंबाई, छाती घेरा, कमर घेरा, सीट घेरा, और शोल्डर। लगने वाला कपड़ा लंबाई के दो गुना अधिक पाव मीटर। कपड़ा अगर साड़ी पन्ने का हो तो पौने दो मीटर लगेगा और अस्तर भी उतना ही लगेगा। सबसे पहले हम कागज पर नाप आंकने वाले हैं। बगल की लंबाई सभी बड़ों के लिए 7 से 7.25 इंच ले। कमर की लंबाई सभी बड़ों के लिए 14 से 15 इंच ले। सीट की लंबाई बड़ों के लिए 21 से 22 इंच ले। यहाँ पर पूरी लंबाई अधिक 2 इंच ले। दिखाए अनुसार सभी रेखाएं आंख ले। यहाँ पर छाती घेरे का चौथा हिस्सा अधिक 1.25 इंच ले। यहाँ पर कमर घेरे का चौथा हिस्सा अधिक 1.25 इंच ले। यहाँ पर सीट घेरे का चौथा हिस्सा अधिक 1.25 इंच ले। यहाँ पर सीट घेरे का चौथा हिस्सा अधिक 1.25 इंच ले। दिखाए अनुसार साइड्स जोड़े। उसके बाहर 1 इंच सिलाई मार्जिन रखें। यहाँ पर शोल्डर का आधा हिस्सा ले। यहाँ पर भी शोल्डर का आधा हिस्सा ले। दिखाए अनुसार सीधी रेखा आंख ले। दिखाए अनुसार यह अंतर नापे और उसका आधा हिस्सा तिरछा जोड़े। दिखाए अनुसार फ्रंट और बैक बगल का एक ही आकार दे। बोटनेक के लिए गले की चौड़ाई 4 से 4.5 इंच तक ले। गले की लंबाई 3.5 से 4 इंच ले। यदि छाती का नाप ज्यादा हो तो गले की लंबाई 4.5 इंच तक ले। दिखाए अनुसार फ्रंट और बैक के गले का एक ही आकार दे। यहाँ पर शोल्डर 1.5 इंच नीचे ले। दिखाए अनुसार शोल्डर जोड़े। बैक पर गले के नीचे 1.5 से 2 इंच पर मार्किंग करें। उसके नीचे इच्छा अनुसार गले की मार्किंग करें। दिखाए अनुसार आकार दें। कागज पर टॉप कट कर ले। दिखाए अनुसार सभी मार्किंग पर नॉचेस कर ले। दिखाए अनुसार मध्य पर कागज के 2 हिस्से कर ले। यह फ्रंट का कागज है। फ्रंट के गले पर छोटा आकार दे।
यह आकार कट कर ले। पहले हमने अस्तर पर बैक कट कर लिया है। फ्रंट का भी अस्तर कट कर ले। मुख्य कपड़े पर भी बैक कट कर ले। फ्रंट भी कपड़े पर कट कर ले। अच्छी फिनिशिंग के लिए हमने कपड़े पर ट्राइकोट फ्यूजिंग लगाया है। बैक गले के लिए हमने पेपर कैनवस कट कर लिया है। यह चौड़ाई 1 इंच रखें। नीचे के गले के लिए भी हमने पेपर कैनवस कट कर लिया है। दिखाए अनुसार कैनवस अनुसार कपड़ा ज्यादा मार्जिन रखकर कट करें। कपड़े पर हमने अस्तर जोड़ लिया है। बचा हुआ कपड़ा कट कर ले। बैक पर कैनवस रखें। आकार अनुसार दोनों कैनवस पर सिलाई कर ले। दोनों गलों के आकार कट कर ले। गले पर नोचेस कर ले। दिखाए अनुसार गले को पलट ले। गले पर इस्त्री कर ले। इस प्रकार हमारा बैग का गला तैयार हो गया है।
फ्रंट गले के अनुसार पेपर कैनवस कट कर ले। दिखाए अनुसार कपड़ा मोड़कर सिलाई कर ले। कैनवस पर आकार अनुसार सिलाई करें। गले का आकार कट कर ले। दिखाए अनुसार फ्रंट का गला पलट ले। इस प्रकार फ्रंट का गला तैयार हो गया है। शोल्डर जोड़े। बगल के लिए 1 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टियां कट करें। हमेशा की तरह बगल पर पट्टी लगाकर फिनिशिंग कर ले। इस प्रकार हमने बगल पर पट्टी लगा ली है। दिखाए अनुसार साइड फिटिंग कर ले। दिखाए अनुसार साइड कट मोड़ कर सिलाई कर ले। अच्छी फिटिंग के लिए हमेशा लिबर्टी दिलीप करमपुरी सर की ब्लाउज कटिंग और ड्रेस कटिंग की किताब इस्तेमाल करें। लिबर्टी की गाउन, फ्रॉक, शॉर्ट टॉप, गलों के आकार, नववारी साड़ी, यह सारी पुस्तक बाजार में सभी जगहों पर उपलब्ध है। ऑनलाइन साइट पर भी लिबर्टी की किताब उपलब्ध है। इस प्रकार हमारा बोट नेक टॉप तैयार हो गया है।